पुलिस विभाग ने नागपुर शहर को ड्रग फ्री करने की मुहिम शुरू कर दी है। नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सोमवार रात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। गांजा विक्रेताओं के साथ साथ सेवन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। शहर के युवाओं में नशे की लत बढ़ती ही जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और जॉइंट सीपी अश्वती दोरजे ने क्राइम ब्रांच को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। सभी नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। डीआईजी सुनील फुलारी और डीसीपी चिन्मय पंडित ने पूरी क्राइम ब्रांच को इस काम में लगाया। एनडीपीएस सेल के अलावा सभी 5 यूनिट के अधिकारी कर्मचारियों और 33 स्थानों के डीबी स्क्वाड ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की। रात 12 बजे तक अलग अलग स्थानों पर छापामारी की गई। कुल 51 मामले दर्ज किए गए। नशीले पदार्थ बेचने वाले 5 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। गांजा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते 61 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उनसे 1,11,000 रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। पुलिस आगे भी यह कार्रवाई जारी रखेगी। नागपुर को ड्रग फ्री सिटी बनाने के लिए नागरिकों से भी अपील की जा रही है। नशीले पदार्थ बेचने वालों और सेवन करने वालों के बारे में यदि किसी को जानकारी हो तो क्राइम ब्रांच को दी जाए, ऐसी जानकारी क्राइम ब्रांच ने दी है। माननीय पुलिस आयुक्त ने दिनांक 26/10/2021 रोजी नागपुर शहरातील सर्व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना आदेश दिले की त्यांच्या परिसरामध्ये कुठेही अवैध धंदे गांजा दारू ड्रग्स विक्री होऊ नये आणि विशेष दिनांक 26/10/2021 24 वाजतापर्यंत विशेष कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने माननीय पोलीस आयुक्ताच्या आदेशान्वये पोलीस स्टेशन तहसील अंतर्गत आम्ही 3 वेगवेगळे पथक तयार करून काल दिनांक 26/10/2021 रोजी गांजा सारखे मादक द्रव्य सेवन करणारे 3 लोक ज्यामध्ये मोहम्मद राजा वल्द मोहम्मद फराज मुकाम टिमकी मोहम्मद तन्वीर वल्द रसलत अंसारी टिमकी और मोहम्मद जकीर वल्द जब्बार अंसारी अंसार नगर धोबी मोमिनपुरा इनको हिरासत में लिए। वो गांजा का सेवन कर रहे थे। एनडीपीएस एक्ट कलम 27 के मुताबिक उनके ऊपर गुना दाखिल करके उनको लॉकअप में डाले। आज उनको विद्यमान कोर्ट में कुटक किए हैं। ये तीनों गांजा सेवन करने वाले आरोपी, इन्होंने गांजा कहाँ से लिया था इसका अभी तपास चालू है और अगली कार्रवाई चालू है। कल जो केस किए उसमें 3 प्रकरण एनडीपीएस के अंतर्गत दर्ज किए और इसमें 3 आरोपी को अटक करके विद्यमान कोर्ट में आज रोजी पुटअप किए हैं। अभी जो गांजा सेवन कर रहे थे वो गांजा इन्होंने कहाँ से प्राप्त किए इसका तपास पुलिस कर रही है।